बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम रोल ऑफ जीन इन प्रोटीन सिंथेसिस के जीन प्रोटीन की सिंथेसिस में जीन किस तरीके से इन्वॉल्व होता है। ये जीन्स नहीं है, ये जीन है वर्ड, ओके। और उसके अलावा आप लोग अगर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। और उसके अलावा पंजाब हो, सिंध हो, फेडरल हो, केपीके हो, डजंट मैटर, सबके लिए ये हेल्पफुल लेक्चर्स हैं। कंसेप्ट, जनरल कंसेप्ट सबके लिए एक ही है। और आपको नोट्स चाहिए या ऐसे समझ लें कि आपको असाइनमेंट चाहिए तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, आई विल रिप्लाई यू एज सून एज पॉसिबल। तो चले हम इस अपने टॉपिक को डिस्कस करते हैं। देखो, जीन पिछले लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था, अगर नहीं पढ़ा तो जाके विजिट कर लें। जो भी टॉपिक है, ठीक है, जेनेटिक टर्म्स बाय सर परवेज, ओके, तो आपको मेरा लेक्चर मिल जाएगा। या कोई भी दूसरे लेक्चर हैं जैसे कि ला एंड इससे आने वाले अगले लेक्चर्स भी, तो टॉपिक का नाम लिख के एंड में लिख दें भाई सर परवेज, तो फर आ जाएगा, ओके। तो चलें इस चीज़ को डिस्कस करते हैं। देखो, आप लोग जीन के बारे में जानते हैं कि जो जीन है एक्चुअली ये क्या होता है कि स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है, ठीक है, स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है। चले आगे भी लिख लेता हूँ, दैट कंटेन जेनेटिक इंफॉर्मेशन, कि ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन या जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है वो पोजेस करता है, ओके। अब ये जो हेरिडेटरी इंफॉर्मेशन है या जो जेनेटिक मटेरियल है, या ये एक ऐसा इंफॉर्मेशन कैरी आउट करता है जिससे फ्यूचर में या कोई ना कोई चीज़ बनाने के लिए एक मैसेज होता है, एक कोड होता है, ओके। तो अब ये जो जीन है, ऑफ कोर्स इट इज़ पार्ट ऑफ डीएनए, ठीक है, डीएनए का एक पार्ट है, और इसके पास वो इंफॉर्मेशन होता है जिसकी मदद से हम किसी भी चीज़ को, फॉर एग्जाम्पल प्रोटीन को सिंथेसिस कर सकते हैं, ओके। अब फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ भी बनाया हुआ है कि ये देखें इधर, कि ये एक स्मॉल सेगमेंट ऑफ डीएनए है जिसको मैंने यहाँ, वैसे तो जीन है ऑफ कोर्स, लेकिन मैंने इसको किसका नाम दिया है कि ये डीएनए है, ओके। अब इस प्रोटीन की सिंथेसिस में थ्री मैकेनिज्म या दो मैकेनिज्म आप कह सकते हैं, क्योंकि उन दोनों के कलेक्टिवली वो थर्ड मैकेनिज्म बनता है, ठीक है। उसको हम नाम देते हैं सेंट्रल डोगमा का। सेंट्रल डोगमा क्या होता है कि जब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कलेक्टिवली, इनको हम नाम देते हैं सेंट्रल डोगमा का। मतलब ये कि जो मैसेंजर, जो डीएनए है, डीएनए से मैसेंजर आरएनए का बनना और मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन का बनना कलेक्टिवली क्या कहलाता है, सेंट्रल डॉगमा कहलाता है। मतलब ये कि एक ऐसा प्रोसीजर है जिसमें डीएनए से क्या तैयार होता है, आपका आरएनए तैयार होता है, और उस आरएनए से फिर फर्दर क्या तैयार होता है, प्रोटीन तैयार होता है, ओके। तो दो मैकेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। अब वो फर्स्ट उसमें जो क्या है कि वो है ट्रांसक्रिप्शन। फर्स्ट क्या है, ट्रांसक्रिप्शन। अब ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है कि जो आपका जो जीन है, ठीक है, आप जीन भी कह सकते हैं या आप डीएनए भी कह सकते हैं, कि उस डीएनए से क्या तैयार होता है, आरएनए तैयार होता है, ठीक है, कि सिंथेसिस ऑफ आरएनए फ्रॉम जीन या डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। चले मैं इसकी डेफिनेशन भी लिख लेता हूं कि द सिंथेसिस ऑफ मैसेंजर आरएनए फ्रॉम डीएनए इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। कि ट्रांसक्रिप्शन क्या है कि जब जो मैसेंजर आरएनए को डीएनए से तैयार किया जाता है, इस मैकेनिज्म को हम किसका नाम देते हैं, ट्रांसक्रिप्शन का नाम देते हैं, ओके। कि फॉर एग्जांपल दिस इज डीएनए, और इस डीएनए से जब ये आरएनए प्रोड्यूस होता है तो ये कौन सा मैकेनिज्म है, दिस इज ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। चले मैं यहाँ पॉइंट वन का भी नाम दे देता हूँ ताकि आप लोगों को याद है कि ये पॉइंट वन, ओके। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या है कि ये जो ऑफ कोर्स एक चीज़ याद रखना है कि जो डीएनए के अंदर जो नाइट्रोजन बेसिस होती हैं, स्पेशली जो एडनीन है, हमने पढ़ा था डीएनए में एडनीन हमेशा किसके साथ बांड बनाता है,
थायमिन के साथ बांड बनाते हैं। मैं इस चीज को शायद थोड़ा सा इस साइड पे लिख दूं कि जो एडनीन है वो हमेशा डबल बांड बनाता था थायमिन के साथ, और साइटोसिन हमेशा बांड बनाता था किसके साथ, गवानीन के साथ बांड बनाता था। ओके, लेकिन इस केस में क्या है, एक चीज याद रखना कि जब प्रोटीन को बना रहे हैं, यानी उसके लिए सबसे पहले हमें मैसेंजर आरएनए बनाना होगा, तब जब डीएनए से जो मैसेंजर आरएनए बनता है उसमें एडेनिन के साथ जो पेयर बनाएगा वो थायमिन ही होगा इन द केस ऑफ मैसेंजर आरएनए। तो इन द केस ऑफ मैसेंजर आरएनए यहाँ थायमिन की जगह आएगा यूरासिल, ठीक है, कि यूरासिल आएगा यहाँ इन द केस ऑफ मैसेंजर आरएनए। ओके, तो यहाँ भी इसी चीज को जरा समझे कि ये एडेनिन है, एडेनिन के अपोजिट क्या आएगा, यूरासिल आएगा, ना के थायमिन आएगा, ठीक है। तो ये इसको मतलब इस डीएनए को किस में मैसेंजर आरएनए में कन्वर्ट किया जाता है, जितने भी जेनेटिक कोड्स हैं वो भी चेंज की जाती हैं, ठीक है। जैसे अब ये एडेनिन है, एडेनिन से क्या बनेगा, यूरासिल, एडेनिन, यूरासिल, एडेनिन, यूरासिल, साइटोसिन, गवानिन, साइटोसिन, गवानिन, गवानिन, साइटोसिन, साइटोसिन, गवान, और सॉरी यहाँ साइटोसिन आया हुआ है, तो थोड़ा सा ये चेंजेस है, चलो मैं यहाँ चेंज कर देता हूँ कि यहाँ आएगा गवानीन है तो साइटोसिन आएगा, और साइटोसिन है तो यहाँ क्या आएगा, गवानीन आएगा। ओके, अब ये एडेनिन है तो ये क्या आएगा, यूरासिल आएगा, और इसी तरीके से बात कर लो कि ये यूरासिल है तो ये एडेनिन है, ये यूरासिल आएगा, यहाँ यूरासिल है तो ये क्या आएगा, एडेनिन आएगा। ओके, तो ऐसे इसी तरीके से चलते जाओ। ओके चलें जी, ये ले। अब उसके बाद नेक्स्ट क्या चीज है, देखें कि डीएनए से क्या बन गया, आरएनए बन गया। अब इसी आरएनए से फिर फर्दर क्या प्रोड्यूस किया जाता है, प्रोटीन प्रोड्यूस किया जाता है, ठीक है। अब इस चीज को हम नाम देते हैं ट्रांसलेशन, किसका नाम देते हैं, ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन क्या है कि सिंथेसिस ऑफ, मैं दूसरे वाला मार्कर यूज करूं, ठीक है, कि सिंथेसिस ऑफ ऑफ प्रोटीन ऑफ फ्रॉम मैसेंजर आरएनए, ये एम छोटा लिखना है, बड़ा नहीं लिखना, ओ माय गॉड। ओके, मैसेंजर आरएनए, ठीक है, सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम मैसेंजर आरएनए इज कॉल्ड ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन, ओके, कि जब हम मैसेंजर आरएनए से प्रोटीन बनाते हैं, इस चीज को हम किसका नाम देते हैं, ट्रांसलेशन का नाम देते हैं। कि अब देखो, दिस इज मैसेंजर आरएनए, अब ये मैसेंजर आरएनए से क्या बना है, प्रोटीन बना है, इस चीज को हमने किसका नाम दिया, ट्रांसलेशन का नाम दिया। ओके, अब एक चीज याद रखना कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, मैं यहाँ चलो लिख भी देता हूँ कि जो ट्रांसक्रिप्शन है, ट्रांसक्रिप्शन occurs in nucleus या nucleoplasm की बात कर लें, nucleus या nucleoplasm की बात कर लें, while जो translation होता है, translation occurs in cytoplasm, ठीक है। कि देखो, ये जो आपका मैसेंजर आरएनए है वो, फॉर एग्जांपल ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर छोटे छोटे पोर्स मौजूद होती हैं ऐसे, अब इन पोर से वो मैसेंजर आरएनए निकल के आता है, किस में आता है, साइटोप्लाज्म में आता है, और साइटोप्लाज्म में किसके पास जाता है, आपके राइबोसोम्स के पास। ओके, राइबोसोम्स के पास वो जाता है, ठीक है। अब राइबोसोम्स के पास मतलब वहाँ क्या होता है कि उस मैसेंजर आरएनए को पढ़ के, रीड करके, उसके मुताबिक क्या लाए जाते हैं, अमीनो एसिड्स। अब वो अमीनो एसिड्स फिर क्या करती हैं, प्रोटीन बनाती हैं। ओके, अब इस इंफॉर्मेशन के मुताबिक यहाँ प्रोटीन लाया गया, ठीक है, और इससे मतलब ये कि यू उसके लिए स्पेसिफिक प्रोटीन है। फिर अच्छा, एक और चीज़ है, ये फर्दर हायर लेक्चर में आप लोग पढ़ोगे, तो ये जो ये आपको कोडान नजर आ रहा है, कोड नजर आ रहा है कि UUU3U है, ठीक है। वैसे तो ये होता है कि ये एक सैंपल है, लेकिन अगर बात कर रहा हूँ मैं एक स्पेसिफिक कोड की, एक तो ये ट्रिप्लिक कोड होते हैं, एक बात ये याद रखना है कि ये जितने भी कोडान ये कोड मौजूद है वो ट्रिपल फॉर्म में होंगे। जैसे कि ये यहाँ फर्स्ट थ्री को ले लें, ओके, ये तो अब यहाँ भी ये, फॉर एग्जांपल मैंने ये फर्स्ट थ्री ऐसे कोड लिखे, एक्चुअली इनका नाम है स्टार्टिंग कोडान, ठीक है। ये क्या करते हैं कि किसी भी मैसेंजर आरएनए के स्टार्ट में ये कोडान मौजूद होगा, और इससे मतलब ये कि वो
स्पेसिफिक मतलब रीजन होगा जहां से इंडिकेट किया जाएगा कि यहां से प्रोटीन की सिंथेसिस स्टार्ट करनी है। ओके अब उसके बाद जब ट्रांसलेशन भी हो जाता है तो ऑफकोर्स प्रोटीन है, उसके स्पेसिफिक फंक्शंस हैं। आपको पता है कि हमारे हेयर्स प्रोटीन के बने हुए हैं, स्किन प्रोटीन की बनी हुई है। उसके अलावा आप बात कर लो हमारे जो मसल्स हैं, दोज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। तो प्रोटीन स्ट्रक्चरल फंक्शन भी परफॉर्म कर रहा होता है। चले मैं यह लिख लेता हूँ कि प्रोटीन फंक्शंस ऑफ प्रोटीन की बात कर लो थोड़ा, फंक्शंस ऑफ प्रोटीन। ठीक है, अब प्रोटीन स्ट्रक्चरल ऑफ फंक्शंस भी प्रोवाइड करता है, स्ट्रक्चरल फंक्शंस भी परफॉर्म कर रहा होता है। अब स्ट्रक्चरल फंक्शंस में आप कह सकते हो कि जो मैसेंजर क्या नाम है, सेल मेम्ब्रेन में प्रोटीन की कंपोजिशन भी होती है कि लिपिड बायलेयर इन विच द प्रोटीन मॉलिक्यूल्स आर इम्बेडेड, कि उसमें प्रोटीन मॉलिक्यूल धंसे होते हैं। ऑफकोर्स ये स्ट्रक्चरल फंक्शन परफॉर्म कर रहा है। उसके अलावा हमारी ये जो हेयर्स हैं, स्किन है, ठीक है, दीज आर ऑल्सो मेड अप ऑफ प्रोटीन। ठीक है, क्या आप यहाँ कह सकते हैं कि जो हेयर्स हैं, ठीक है, इसके अलावा आप बात कर लें स्किन की बात कर लें कि ये भी किसके बने हुए हैं, प्रोटीन के बने हुए हैं। और इवन आपके नेल्स वगैरह भी किसके बने हुए हैं, इसी प्रोटीन के बने हुए हैं। उसके अलावा ये जो ना फंक्शनल डिफरेंट मतलब फंक्शंस भी परफॉर्म करता है, जैसे कि प्रोटीन बहुत सारे हार्मोन्स के तौर पर काम करते हैं। ठीक है, हार्मोन्स आप केमिकल मैसेंजर होती हैं जो इन्फॉर्मेशन को एक जगह से दूसरी जगह लेके जाती हैं। और उसके अलावा आप कह सकते हो कि ये जो प्रोटीन है ये एंजाइम के तौर पर भी काम करते हैं, और एंजाइम आपको पता है कि क्या करते हैं, किसी भी केमिकल रिएक्शन को स्पीड अप करवाते हैं। तो देर आर डिफरेंट अ लॉट ऑफ फंक्शन दैट आर परफॉर्म बाय प्रोटीन। ठीक है, तो प्रोटीन बेनिफिशियल होती है फॉर हमारी बॉडी के लिए। ऑफ कोर्स हमारी बॉडी को ऑलमोस्ट 70% वेट जो है ना, जिसका क्या होता है कि प्रोटीन पर मुश्तमिल होता है। ओके, ड्राई की बात करो हमारी बॉडी की, अगर ड्राई किया जाए तो वाटर को निकाल के 70% क्या बचता है, प्रोटीन बचता है 70 या 50। ओके, तो ये था हमारा आज का एक छोटा सा टॉपिक। इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक इजाज़त चाहता हूँ। ओके।